जालोर के सुधा माता पर्वत पर मूसलाधार बारिश से तेज बहाव देखने को मिला, इतना तेज कि जिसे देखकर रूह भी कांप जाए। एक आदमी तेज बहाव में फंस गया, जिसको लोगों ने कड़ी मशक्कत से बचाया। दरअसल राजस्थान के जालोर में पिछले 24 घंटे से भारी बारिश के कारण बड़ा हादसा हो गया। यहां पानी के तेज बहाव में 5 श्रद्धालु बह गए, जिनमें से 3 लोगों को खबर लिखे जाने तक बाहर निकाल लिया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक एक महिला की मौत हो गई और एक की तलाश अभी भी जारी है। इस बारे में पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी कि उदयपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बारा, अजमेर, भिलवाड़ा, टोंक, जालोर, दौसा, सवाई माधोपुर और सिरोही जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। पुलिस अधिकारियों ने आगे बताया कि जालोर के जसवंतपुरा उपखंड में भारी बारिश के कारण पहाड़ से पानी सुधा माता मंदिर की सीढ़ियों पर बहने लगा। तेज बहाव में 5 श्रद्धालु बह गए, जिनमें से एक महिला की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि 3 लोगों को पानी से बाहर निकाल लिया गया, जबकि एक अन्य श्रद्धालु लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। मृतक महिला की पहचान लक्ष्मी देवी आहारी 45 वर्ष के रूप में हुई। वहीं मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि सोमवार तक कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं रविवार को कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में बहुत भारी बारिश 200 मिलीमीटर से अधिक की प्रबल संभावना जताई गई है। विभाग ने कहा कि 27 अगस्त से भारी बारिश से क्रमवार राहत मिल सकती है।